वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए मित्रा। मैं सीए शमशेर आरफीन आप सबका स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम के पहले लेक्चर में। और दोस्तों मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा कोर्स रखने वाला हूं जिससे आपकी लाइफ को, आपके करियर को एक नया डायरेक्शन मिल सकता है। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और मेरा कहना यह है कि तुम मुझे यार कुछ दिन दे दो, कुछ घंटे दे दो और मैं आपकी लाइफ बदल दूंगा। और ये मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, इस चीज़ को मैं प्रैक्टिकली प्रूफ करूँगा। जैसे जैसे ये कोर्स आगे बढ़ेगा मैं आपको बताऊँगा कि इस कोर्स की नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है रियल वर्ल्ड में। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, वो सब मैं आपको सिखाऊँ, आपको बताऊँ। और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि आप पूरे मन लगाकर, पूरे डेडिकेटेड तरीके से सारे लेक्चर्स को देखें और फिर मैं आपको बताऊंगा इस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना कैसे है। ठीक है, तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ, जीएसटी इंट्रोडक्शन, और शुरुआत करते हैं इस मजेदार जर्नी की। आने वाले कुछ दिन हम लोग साथ में रहेंगे, मैं आपको बताऊंगा। आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या कई बार हो सकता है टाइम वगैरह मुझे ना मिले तो मैं तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन मैं जल्द से जल्द सभी का रिप्लाई कर देता हूँ। तो कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और यार अब बता, आप इंतजार नहीं करते हैं और चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। दोस्तों, फ्रांस वो पहली कंट्री थी जिसने अपने देश में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था। वो भी जानते हैं कब? 1954 में फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट जीएसटी। उसके बाद से अभी तक अप्रोक्सीमेट 155 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर जीएसटी इंप्लीमेंट हो चुका है, लेकिन फ्रांस वो पहली कंट्री थी। तो वन नेशन वन टैक्स, इसी नारे के साथ जीएसटी इंडिया में आया। और कब आया? 1 जुलाई 2017 को। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 जुलाई 2017 को कहीं से जीएसटी आके सीधे इंप्लीमेंट हो गया, इसका भी अपना एक इतिहास है। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 को जब इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ तो उससे पहले ये किन किन रास्तों से होते हुए गुजरा है, आइए देखते हैं। ऐसा नहीं है कि जीएसटी कहीं से उठ के आया और इंडिया में सीधे इंप्लीमेंट हो गया। पूरे इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हुआ, ये हम सब जानते हैं। लेकिन ये 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट तो हुआ, बट इसके लिए तैयारी बहुत पहले से चल रही थी। जी हाँ, सबसे पहले 2004 केलकर टास्क फोर्स कमेटी का फॉर्मेशन हुआ, ये देखने के लिए कि इंडिया में जीएसटी की नीड क्या है और अगर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, क्या इसके इम्पैक्ट पड़ेंगे फ्यूचर पे, ये सारी चीजें देखने के लिए इस कमेटी का फॉर्म किया गया। ठीक है सर, उसके बाद इस कमेटी ने अपना पहली रिपोर्ट, या आप कह सकते हैं जीएसटी पहली बार 2007-08 में प्रपोज किया गया, बट उसके बाद से ये बिल या ये प्रपोजल मतलब टलता गया और ये फाइनली 2014 में एक कॉन्स्टिट्यूशन को, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया गया। कोई भी बिल जब उसको, कोई भी एक्ट जब चेंज किया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है। तो 2000 में 19 दिसंबर 2014 को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास किया गया। उसके बाद पहली बार जीएसटी का जो बिल है वो 6 मई 2015 को लोकसभा में पास हुआ। उसके बाद 3 अगस्त 2016 को ये बिल राज्यसभा में भी पास हो गया। फिर 12 अप्रैल 2017 को प्रेसिडेंट ने इस बिल को अपनी कंसेंट दे दी। किसी भी बिल को पहले लोकसभा, फिर राज्यसभा, और उसके बाद जब प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिल जाता है उसके बाद ही वो बिल एक्ट बनता है, वरना वो बिल ही रहता है। तो जब जीएसटी बिल को प्रेसिडेंट का अप्रूवल, उसकी कंसेंट, उसकी एसेंट मिल गई तो 12 अप्रैल 2017 को जीएसटी बिल बन गया जीएसटी एक्ट। और फाइनली 1 जुलाई 2017 को पूरे इंडिया में जीएसटी एक्ट एप्लीकेबल हो गया। ये थी जीएसटी के इंप्लीमेंट होने की हिस्ट्री। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी इस बहुत ही मजेदार नॉलेजफुल जर्नी की।
लेक्चर नंबर 1 जीएसटी इंट्रोडक्शन, जीएसटी एक्सप्रेस। दोस्तों मैंने इस जीएसटी ट्रेनिंग प्रोग्राम को जीएसटी एक्सप्रेस का नाम दिया है। क्यों दिया है? देखिए, जैसे ट्रेन चलती है और अलग अलग स्टेशन से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाती है, ठीक वैसे ही ये जो हमारा प्रोग्राम होने वाला है, ये भी अलग अलग चैप्टर्स अलग अलग टॉपिक से होते हुए अपने डेस्टिनेशन तक जाएगा। तो फटाफट टिकट खरीदिए और ट्रेन में सवार हो जाइए, क्योंकि ये ट्रेन जो है छूटने वाली है। चलते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शमशिल आरफीन एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई एम प्रैक्टिसिंग इन द फील्ड ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क, IPR rights since last 4 to 5 years. मेरे साथ जो मेरे co-founders हैं शिवम चौरसिया, प्राची खरे, तबरेज आलम, and we are also running ETS GST Academy here in Lucknow. हम यहाँ पर students को practically बताते हैं, उनको सिखाते हैं GST, and फिर उनको mentor भी करते हैं उनका office open करने के लिए, कैसे वो client के साथ deal करेंगे, कैसे वो खुद को office open कर सकते हैं, तो हमको mentor भी करते हैं। देखते हैं कि हमारे इंडिया में कितने तरीके के टैक्स स्ट्रक्चर हैं। सभी को पता है कि इंडिया में दो तरीके के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को कौन सी बॉडी गवर्न करती है? CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्स को कौन सी बॉडी गवर्न करती है? CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स होता है कि जो सिंपल सा फंडा है, जो कमा रहा है, जिसके ऊपर जो जिसके पास इनकम आ रही है, वो ही क्या कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है, डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? कि बर्डन किसी और के ऊपर है पे करने का, बट वो कलेक्ट किसी और से किया जाता है। हम लोग मोबाइल परचेज करने जाते हैं तो मोबाइल पे जो जीएसटी होता है वो पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? शॉपकीपर की। बट वो जीएसटी कलेक्ट किससे करता है? हम लोगों से। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की, कलेक्ट किसी और से किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। पहली बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज जीएसटी? तो जीएसटी इज अ टैक्स, एक टैक्स है जो लेवी होता है किसके ऊपर? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां से हमें कुछ कीवर्ड्स निकल के आ रहे हैं, क्या? टैक्स। टैक्स अभी हमने देखा क्या होता है, लेवी ऑन सप्लाई। सप्लाई अभी हम आगे चल के देखेंगे कि सप्लाई के डेफिनेशन क्या है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स की अलग डेफिनेशन है, सर्विस की अलग डेफिनेशन है। तो यहां से हमें चार कीवर्ड्स मिले, टैक्स, सप्लाई, गुड्स एंड सर्विसेज। इन चारों की हम अलग अलग डेफिनेशन देखेंगे तो हमारी पूरी जीएसटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी के लिए जीएसटी क्या है? जीएसटी इज अ टैक्स लेवीड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए, जीएसटी आने से पहले बहुत तरीके के टैक्स थे, उन टैक्स को जीएसटी आया, जीएसटी ने उन टैक्स को लात मार के हटा दिया और खुद आ गया सामने हीरो बन के। तो उससे पहले कौन कौन से टैक्सेस थे? एक तो थे कुछ ऐसे टैक्स थे जो सेंट्रल टैक्स थे, जो किसकी जेब में जाते थे? सेंट्रल गवर्नमेंट की जेब में जाते थे, जैसे कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स एंड सर्विस टैक्स। ये वो टैक्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। कुछ टैक्स ऐसे थे जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, जैसे अपना एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, वैट, ये सारे वो टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। तो ये सारे टैक्सेस अब क्या हो गया? अबॉलिश्ड हो गए और इनकी जगह पर आ गया अपना जीएसटी। ये देखिए, सिंपल सा फॉर्मेट है कि अगर 1 लाख रुपए की सेल होती है तो उस पर टैक्स लगता है 10%, यानी कि 10,000। तो हमें कितना पे करना पड़ता है? 1,10,000। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है? ये आगे बहुत बेसिक कैलकुलेशन है, बट आगे काम आएगा। अब देखते हैं टैक्स स्ट्रक्चर अंडर जीएसटी। तो जीएसटी के अंदर चार तरीके के टैक्स होते हैं, CGST, SGST, UTGST एंड IGST। अब आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि ये क्या, हमने तो सुना था वन नेशन वन टैक्स, यहां तो चार अलग अलग तरीके के टैक्स हैं। नहीं बॉस, ये है जीएसटी ही, जीएसटी का ही रूप है, बट जीएसटी के एक रूप में अनेक रूप, यानी कि ये सारे मिलकर के जीएसटी ही के पार्ट हैं। तो ये कब कब कैसे कैसे लगते हैं वो देख लेते हैं। CGST क्या लिखा हुआ है? स्टैंड्स फॉर सेंट्रल जीएसटी, मतलब फुल फॉर्म इसका है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, जब ये सेंट्रल जीएसटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है सर। एप्लीकेबल ऑन सप्लाईज विद इन द स्टेट, मतलब अगर यूपी का बंदा यूपी में सेल कर रहा है, दिल्ली का बंदा दिल्ली में सेल कर रहा है, मतलब अगर आप अपने स्टेट में ही सेल कर रहे हैं तो आप क्या चार्ज करेंगे? सीजीएसटी। ठीक है सर। अब एसजीएसटी क्या होता है? सेम वही डेफिनेशन है, ये स्टैंड फॉर स्टेट जीएसटी। ये किसकी जेब में जाता है? स्टेट गवर्नमेंट की जेब में जाता है। और ये भी कब लगता है? जब सप्लाई सेल हो रही है कहां? विद इन द स्टेट। यानी कि अगर हम अभी तक का क्रक्स निकालें तो अगर हम विद इन द स्टेट सेल कर रहे हैं तो क्या क्या लगता है? एक तो सीजीएसटी लगता है और एसजीएसटी लगता है। और मैं आपको बताऊं, सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों जुड़वा भाई हैं। जहां जहां सीजीएसटी आएगा वहां वहां एसजीएसटी आएगा। वो मूवी आई थी ना सलमान खान की, जुड़वा, एक को दर्द होता है तो दूसरा भी, दूसरे को भी उसका दर्द महसूस होता है। सेम कहानी यहां पर भी है, जहां एक सीजीएसटी लग रहा है वहां एसजीएसटी जरूर लगेगा, और जहां एसजीएसटी लगेगा वहां सीजीएसटी भी लगेगा। ठीक है सर। अब आते हैं यूटीजीएसटी। तो यूटीजीएसटी कुछ भी नहीं है, हमें पता है कि जैसे दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ है, ये सब क्या है? यूनियन टेरिटरी है। अभी लद्दाख नया नया यूनियन टेरिटरी बनना है, तो जब यहां से सेल होगी, जब यहां से सेल होगी तो इसका पैसा कहां जाएगा? यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वहां पर जाएगा। और ये लगेगा कब? जब हम सेल करेंगे, सप्लाई करेंगे कहां? विद इन द यूनियन टेरिटरी। दिल्ली का बंदा दिल्ली में ही सेल कर रहा है तो क्या लग जाएगा वहां पर? यूटीजीएसटी। ठीक है सर। आईजीएसटी फिर क्या होता है सर? आईजीएसटी देखिए, ये आईजीएसटी कुछ भी नहीं होता है, ये एसजीएसटी और सीजीएसटी का मिला हुआ रूप होता है। मतलब सीजीएसटी एसजीएसटी को आप जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है? आईजीएसटी। क्या लिखा हुआ? स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सीजीएसटी एसजीएसटी को इंटीग्रेट कर लेता है, और इसका जो शेयर होता है वो सेंट्रल स्टेट आपस में बढ़ जाता है। और ये कहां एप्लीकेबल होता है? जब इंटर स्टेट सप्लाई होती है या इंपोर्ट ट्रांजैक्शन होता है। इंटर स्टेट क्या मतलब? आउटसाइड द स्टेट, मतलब दिल्ली का बंदा जब चंडीगढ़ या पंजाब का बंदा जब हरियाणा में गुड्स की सेल करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। और जब इंडिया का बंदा बंदा इंडिया से बाहर सेल करेगा तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट। जब कोई बाहर से यहां मंगाता है तो क्या बोलेंगे? इंपोर्ट। तो इस तरीके के ट्रांजेक्शन में क्या लग जाएगा सर? आईजीएसटी लग जाएगा, आईजीएसटी। तो आईजीएसटी इज नथिंग बट इट इज अ सम ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ में आ रही है, आगे चलते हैं। तो अब हमें ये पता चल गया है कि एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी क्या क्या है। ठीक है सर। अब देखिए, जीएसटी आने से पहले अभी हमने देखा कुछ ऐसे टैक्स थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको कलेक्ट करती थी। ठीक है, वो सारे टैक्सेस कहां चले गए? सीजीएसटी में। कुछ ऐसे टैक्स थे जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, ठीक है, वो सारे टैक्स कहां जाके मिल गए? एसजीएसटी में। और कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो जैसे सीएसटी था, काउंटर वैलिड ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, जिसमें दोनों का शेयर होता था, स्टेट का भी एंड सेंट्रल का भी, वो कहां जाके मिल गए? वो जाके मिल गए आईजीएसटी में। तो एक तो अपना आया सीजीएसटी, एक आया अपना एसजीएसटी, एक आया आईजीएसटी, और सबने मिलकर क्या बना लिया? हमारा जीएसटी। ये है जीएसटी जो मैंने आपको बताया कि रूप एक, लेकिन उस एक रूप में भी अनेक रूप। ये है उसका मतलब कि तीनों ही जीएसटी मिलके बेसिक में क्या है? जीएसटी का ही पार्ट है। ओके सर, आगे चलते हैं। तो हमने ये देखा कि बहुत से टैक्स पहले थे, बट जीएसटी आने के बाद वो सारे टैक्स क्या हो गए? खत्म हो गए, और अब जीएसटी लगने लगा। लेकिन कुछ ऐसे भी टैक्स हैं, ड्यूटीज हैं, जो आज भी हैं और जीएसटी आने के बाद भी उसी तरह लग रहे हैं जैसे जीएसटी आने आने के पहले लग रहे थे। उनमें से जो सेंट्रल का है वो है कस्टम ड्यूटी। आज आप गुड्स को इंडिया के बाहर भेजें, इंडिया से बाहर से इंपोर्ट करें, कुछ भी करें, कस्टम ड्यूटी, अदर कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी, ये जैसे पहले लग रही थी आज भी लग रही हैं। ये था सेंट्रल का टैक्स जो जीएसटी आने के बाद भी एज इट इज चल रहा है। कुछ स्टेट के टैक्स भी हैं, जैसे रोड
आज हम गाड़ी खरीदते हैं तो रोड टैक्स पे करना पड़ता है, कहीं हाईवे पे जाते हैं तो टोल टैक्स पे ही करना पड़ता है, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी प्रॉपर्टी टैक्स देना ही पड़ता है, हमारे पास बिजली का बिल आता है तो उस पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हमें पे करनी पड़ती है। तो ये सारी स्टेट के टैक्सेस हैं जो आज भी हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं और प्रैक्टिकली हम ऐसा देखते भी हैं। ये जो थे कुछ ऐसे टैक्स जो जीएसटी आने के बाद भी एज इट इज लग रहे हैं। कुछ ऐसे गुड्स हैं, स्पेसिफिक गुड्स हैं जो जीएसटी ने कवर्ड ही नहीं है, मतलब उनके ऊपर जीएसटी लग ही नहीं रहा है। तो सर अगर उनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रहा है तो क्या लग रहा है? सो उनके ऊपर वही टैक्सेस, वही ड्यूटीज, वही लॉ, वही कुछ अप्लीकेबल हो रहा है जो जीएसटी आने से पहले लग रहा था। वो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? अक्सर हम लोग न्यूज चैनल में डिबेट देखते हैं कि क्यों नहीं पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आते हैं, अगर पेट्रोल को जीएसटी में ले आए तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, ये वो वगैरह वगैरह। तो पहले तो पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैस, ये सब जीएसटी में नहीं है। अल्कोहल भी नहीं है, जो हमें पता था सारे लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद था तो एक चीज ओपन हो गया था, वो क्या थे? हमारे सरकारी ठेके, कि भैया आप लोग आराम से दारू खरीद सकते हो, सबसे ज्यादा रेवेन्यू वहीं से आता है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको अभी जीएसटी के बाहर रखते हैं। और पावर सेक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूसर कंपनीज होती हैं, जो पावर सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भी अभी जीएसटी अप्लीकेबल नहीं हो रहा है, इनके ऊपर वही लॉ अप्लीकेबल हो रहे हैं जो जीएसटी के पहले लग रहे थे। एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो आगे बहुत काम आने वाली है, और वैसे तो इसके ऊपर एक अलग से चैप्टर है, लेकिन एक थोड़ा सा बेसिक सा आइडिया हम लोग ले लेते हैं। व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट, और पूरा का पूरा जीएसटी क्यों आया इंडिया में, जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं इस एक चीज के ऊपर, विच इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। होता क्या है, देखिए जीएसटी पेड ऑन परचेज ऑफ, हमने परचेज किया उसके ऊपर जीएसटी पे किया, ठीक है। क्या परचेज किया हमने? रॉ मटेरियल, चाहे वो इनपुट हो, चाहे किसी गुड्स को परचेज किया या कोई सर्विस ली, उसके ऊपर हमने जितना भी जीएसटी पे किया वो क्या हो जाता है? हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यानी कि वो ऐसा माना जाता है कि वो पैसा आपके जेब में ही पड़ा हुआ है। अब आगे चलकर अगर आपको सपोज आपने जीएसटी पे किया है पीछे 100 रुपए का, आगे आपको जीएसटी पे करना है 500 रुपए का, तो 500 रुपए में 100 रुपए हो जाएगा लेस, और आपको कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए। ये है मतलब आईटीसी का, मतलब जितना आपने आईटीसी पे कर दिया है उसका आपको क्या मिल जाता है? क्रेडिट। ऐसा माना जाता है कि वो पैसा आपके पास ही है, तो आपकी जितनी भी लायबिलिटी बनेगी जीएसटी की उसमें से आईटीसी का पैसा लेस हो जाएगा और बैलेंस आपको पे करना पड़ेगा। ये है मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट का। इसके ऊपर से एक पूरा चैप्टर है, पूरा इसका अपना एक रूल है, अपने सेक्शंस हैं, वो सब हम आगे देखेंगे। अभी बस हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया क्योंकि अभी आगे ये बहुत जगह यूज होने वाला है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला लेक्चर जीएसटी इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें हमने देखा कि जीएसटी की डेफिनेशन क्या है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी वगैरह क्या होते हैं। तो ये थी हमारा एक बेसिक इंफॉर्मेशन जीएसटी के बारे में। अब आने वाले लेक्चर्स में हम और डिटेल में देखेंगे कि जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ और डेफिनेशंस, सप्लाई किसे कहते हैं, आईटीसी एक्चुअल में होता क्या है, ये सारी चीजें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो यार एक लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दो यार। एंड अगर कुछ कमी लग गई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, ठीक है। तो अगला लेक्चर में हम और चीजें देखते हैं। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।